ग्वालियर में बीते दिनों कपड़े खरीदने पर हुए विवाद का मामला सामने आया था, जहां पुलिस ने कपड़े खरीदने के विवाद में दुकानदार और उसके दोस्त को गोली मारने वाले आरोपी भानु को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार, स्कूटी और दुकान से उठाया हुआ लोअर भी बरामद किया। पकड़े गए आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित था। मामला 15 नवम्बर का है, जहाँ इंदिरा नगर में फरियादी शनि भदौरिया की दुकान पर चचेरे भाई राधे भदौरिया बैठा हुआ था। तभी चार लड़के दुकान से कपड़े लेने पहुंचे और रुपए देने पर विवाद शुरू हुआ। इस बीच गोलियां भी चली थी। पुलिस टीम ने मामले में कुछ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। घटना का मुख्य आरोपी भानु तोमर की अब गिरफ्तारी हुई। ये इंदिरा नगर में अपने राधे गवर्नमेंट की दुकान पे जो 5-7 दिन पहले जो दुकान पे फायरिंग करके दहशत फैलाई थी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी, उसमें 4 आरोपी तो पहले ही हम पकड़ करके जेल भेज चुके हैं। रिशु भदौरिया, बिट्टू तोमर, रानू शिकरवार और रोनित को तो पहले ही भेज चुके थे। उसका मुख्य आरोपी जो था भानु तोमर, जो घटना के बाद से ही फरार हो गया था, जिसको रात को पीएचसी कॉलोनी से पानी की टंकी के पास से पकड़ा है और घटना में प्रयुक्त किए गए इसके जो कट्टा था, कट्टा और कारतूस, खाली खोखा वगैरह और जो दुकान से जो ये लोअर अपर लेकर जो भागा था, ये सब जब्त किया गया है उससे। और इसका रिकॉर्ड देखते हुए पुराना ये क्रिमिनल है, जिसको देखते हुए इसके अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इसको हमने लिस्टेड गुंडा फाइल में रखा है, ताकि इसके अपराधों पर क्या वजह आई थी सामने क्या कुछ नहीं किया, रंगदारी के हिसाब से कि पैसा नहीं देना पड़े, दहशत फैली था। करीब करीब इसके 10 अपराध तो पहले से ही कायम है इसके ऊपर, इसलिए इसके उन्होंने लिस्टेड गुंडा फाइल में रखा है, ताकि इस पे अपराधों पे हम लगातार इसकी चेकिंग करके और इस पे हम अंकुश लगा सकें।